हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सोना आर्ट एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कोकोनट फैंसी ड्रेस फॉर किड्स। जो आप स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन में किड्स के लिए बहुत ही कम बजट में वेस्ट चीज़ों का यूज करके इजी वे से घर पर ही आप रेडी कर सकते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से ये ड्रेस आपको घर पर ही रेडी करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट मैंने यहाँ पर दो बड़ी साइज के चार्ट पेपर लिए हैं। ये आपको कोई भी स्टेशनरी में पर पीस 10 रुपीज में मिल जाएगा। इस ड्रेस के लिए हमें 1.5 पेपर की ही ज़रूरत पड़ेगी। तो फर्स्ट पेपर में मैं कोकोनट का शेप ड्रॉ कर रही हूँ। मैं यहाँ पर फुल पेपर में कोकोनट का शेप ड्रॉ करूँगी, बट आप अपने किड्स के हाइट के अकॉर्डिंग छोटी साइज भी ड्रॉ कर सकते हैं। मेरी डॉटर 5 ईयर्स की है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग साइज रखूँगी। तो कुछ इस तरह से मैंने कोकोनट का शेप ड्रॉ कर लिया है। अब इसे कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने कट कर लिया है। अब आता है इसका कलरिंग पार्ट। ओके, नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है ब्राउन एंड येलो एक्रेलिक कलर। दोनों कलर को मिक्स करके उसमें थोड़ा सा हम वाटर ऐड करेंगे ताकि रियल कोकोनट जैसा कलर आ सके। फास्ट पेंट करने के लिए मैंने यहाँ पर स्पॉन्ज का यूज़ किया है। आप ब्रश का भी यूज़ कर सकते हैं। एक्रेलिक कलर की जगह आप किड्स का कोई भी वाटर कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पेंट कर लेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। ड्राई होने के बाद मैंने यहाँ पर लिया है परमानेंट मार्कर पेन। कोई भी मार्कर पेन ले ले और इस तरह से आउटलाइन कर ले। आउटलाइन हमें थोड़ी थिक करनी है ताकि कोकोनट जैसा लुक आ सके। ओके, नेक्स्ट मैं यहाँ पर छोटी बड़ी स्टैंडिंग लाइन बना रही हूँ। इसके लिए मैंने मार्कर एंड सीडी पेन का यूज़ किया है। आप ब्लैक पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसके पहले भी मैंने क्रिसमस के लिए सिंपल एंड लास्ट टाइम में थोड़ा क्रिसमस का टच दे के ड्रेस रेडी की थी, तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप मेरी चैनल पे भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने थोड़ी पतली लाइन ड्रॉ करने के लिए सीडी पेन का यूज़ किया है। आप पेन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब लुक में कुछ इस तरह से लग रहा है। अब नेक्स्ट ये जो बीच का पार्ट है उसे हमें कट कर लेना है। इसके लिए मैंने पेन नाइफ का यूज़ किया है। ये जो बीच का पार्ट है वो नेक पे आएगा, तो इसके लिए हमें इसे कट कर लेना है। उसके बाद सेंटर का इतना पार्ट मैं कट कर लूँगी। आप चाहो तो बीच में एक कट भी लगा सकते हैं। बस इसे ओपन ही कर लेना है ताकि ये पार्ट नेक के बैक साइड जा सके। उसके बाद यहाँ पर मैं 2 डॉट्स बना रही हूँ ताकि हैंग करने के लिए 2 होल बना सके। होल बनाने से पहले यहाँ पर हमें टेप लगा देनी है ताकि टूटने का कोई चांस ना रहे।
बैक साइड भी हम सेम वैसे ये प्रोसेस फॉलो करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दो होल बना लेंगे। इसके लिए मैंने पेन नाइफ का यूज़ किया है। टेप लगाने का यही रीज़न है कि वहाँ से हमारा पेपर टूटेगा नहीं। हैंग करने के लिए मैंने यहाँ पर एक लेस का टुकड़ा लिया है। आपके पास जो भी थ्रेड या लेस अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। लेस के दोनों एंड्स को हमें आगे की ओर निकाल के दोनों में नोट्स लगा लेने हैं और एक्स्ट्रा लेस को हमें कट कर लेना है। आप चाहो तो इसे नेक पे हैंग भी कर सकते हैं या फिर नोट्स भी लगा सकते हैं। उसके बाद हमें कैप बनानी है, तो मैंने यहाँ पर दूसरा चार्ट पेपर लिया है और इस तरह से कर्व्ड शेप में हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है। यहाँ पर आप देखें एक स्केल जितनी मैंने दोनों साइड स्पेस छोड़ी है। अब ये पार्ट को हम कट कर लेंगे। अब कोन के शेप में हमें इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे हमें स्टेपलर कर देना है। यहाँ पर आप स्टेपलर की एक पिन लगा के बच्चों के हेड पे रख के साइज चेक कर ले ताकि परफेक्ट कैप बन सके। उसके बाद ही आप आगे की प्रोसेस करें। उसके बाद इसे राउंड शेप में कट कर लेना है और इसे भी हम सेम कलर से पेंट कर लेंगे और थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। कलर ड्राई होने के बाद कैप पे भी मैंने दोनों साइड टेप लगा के दो होल्स बना लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर मैंने लिया है वाइट इलास्टिक और इसके भी हम इस तरह से नोड लगा लेंगे। यहाँ पर भी पेपर पर टेप लगाना बिल्कुल ही ना भूले। इस तरह से हमें कैप रेडी कर लेनी है। रियल कोकोनट का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है कोकोनट के छिलके। छिलके में भी हमें थोड़ी बहुत प्रोसेस कर लेनी है ताकि कोकोनट का रियल लुक आ सके। तो छिलके में से मैंने ब्लैक पार्ट को इस तरह से निकाल दिया है। जैसे कि वीडियो में दिख रहा है उस तरह से सभी छिलकों को हमें रेडी कर लेना है। कोई भी वेस्ट चीज़ों का यूज़ करके हम कुछ भी क्रिएट करते हैं तो उसमें थोड़ी प्रोसेस कर लेनी चाहिए ताकि उससे हम जो भी DIY रेडी करेंगे उसका लुक और भी अच्छा आएगा। इसी छिलकों का इस तरह से प्रोसेस करके मैंने पहले भी क्रिसमस ट्री बनाया था, तो उसका वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये छिलके आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो इस तरह से सभी छिलकों को हमें रेडी कर लेना है। अब हॉट ग्लू की हेल्प से सभी छिलकों को हमें 1 by 1 इस तरह से स्टिक कर लेना है ताकि इससे एक रियल कोकोनट जैसा लुक आएगा। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी मंदिर में चक्कर लगा ले, आपके दर्शन भी हो जाएंगे और छिलके भी मिल जाएंगे। तो हुआ ना फ्री में जुगाड़। पेंट करने का यही रीजन है कि छिलके में से पेपर का पार्ट दिखे या फिर कहीं छूट जाए तो भी ज्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा और लुक भी अच्छा आएगा। सेम मेथड से कैप पर भी हमें छिलके को इस तरह से स्टिक कर लेना है। फर्स्ट ये जो ओपन कैप है उसको मैं स्टिक कर दूंगी। उसके बाद सभी छिलकों को 1 by 1 स्टिक कर लेना है।
स्टिक करते टाइम एक्स्ट्रा जो है उसे हम कट भी करते जाएंगे ताकि परफेक्ट शेप आ जाए। तो इस तरह से मैंने कोकोनट फैंसी ड्रेस रेडी कर ली है, आप भी अपने किड्स के लिए ज़रूर ट्राई करें। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाए और बनाते जाए और लास्ट में फर्स्ट प्राइज भी ले आए। ऊपर का जो व्हाइट पोर्शन है उसका बैक साइड मैंने टेप से कवर कर लिया है ताकि बच्चे अगर खींचेंगे तो भी ये नहीं टूटने वाला, और बैक साइड मैंने इस तरह से पिन की हेल्प से इसे सिक्योर किया है और लेस में नोट्स लगा दी है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें, एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। मिलते हैं न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।